हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप YouTube Studio Beta का यूज़ कैसे करते हैं, और ये जो नया वाला वर्जन है दोस्तों, वो सारे अब यूट्यूबर के लिए ये चेंज हो चुका है, और ये सारे यूट्यूबर को अब इसी का यूज़ करना है, YouTube Studio Beta। तो चलिए, इस वर्जन को किस तरीके से यूज़ करना है अपने मोबाइल में, इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साइड में घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यूट्यूब ने लॉन्च कर दिया है यूट्यूब स्टूडियो बीटा, जब भी आप यूट्यूब अपने मोबाइल में खोल ओपन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्राउज़र में जब भी आप इसे ओपन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे स्टूडियो बीटा करके लिख करके आ रहा होगा, यूट्यूब स्टूडियो बीटा। तो यहाँ पे अब आपको इसी का यूज़ करना है। तो किस तरीके से इसका यूज़ करना है, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो बीटा के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो ये हमारा स्टूडियो बीटा आप ओपन हो चुका है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो बीटा यूज़ करने के लिए, सबसे पहला जब आप यूज़ करते होंगे इसको, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग जब रहता था, तो यहाँ पे सेटिंग का जो बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सेटिंग का बटन, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते थे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल करके आता था कि आप यहाँ पे जैसे कि सिर्फ और US और डॉलर का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ करेंसी चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, सारे करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि आप इसको क्रिएटर स्टूडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेव के ऊपर क्लिक करते थे तो आपका क्रिएटर स्टूडियो यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अब इसी को सारे लोगों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो किस तरीके से अपलोड करना है, यहाँ पे जो ऊपर में आइकन आपको दिखाई दे रहा है वीडियो का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे अपलोड वीडियो का है, और सेकंड नंबर पे अपलोड वीडियो बीटा। तो यहाँ पे आपको यही वर्जन यूज़ करना है, अपलोड वीडियो बीटा वाला के ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कर अलाउ करेगा, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक जैसे ही करिएगा आप यहाँ पे, तो आपसे यहाँ पे कुछ अलाउ मांगेगा, तो यहाँ पे इसको अलाउ कर दीजिए, और फिर उसके बाद गैलरी से आप सेलेक्ट कर लीजिए वीडियोस, और यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो ये हो रही वीडियोस अपलोड करने की बात। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें वीडियोस किस तरीके से अपलोड करना है। तो अब चलिए, अब आपको सारे वीडियोस एक साथ देखने हैं आपको सारे वीडियोस। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, नीचे जो सेकंड नंबर पे जो बटन है यहाँ पे, ये साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जिस तरीके से आप वीडियो मैनेजर ओपन करते थे, इस तरीके से आपका सारा वीडियोस ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, मेरा वीडियोस सारा वीडियोस ओपन हो चुका है। अब इसको आपको एडिटिंग करना है, तो जिस वीडियो को आपको एडिट करना है, या टाइटल वगैरह थंबनेल वगैरह चेंज करना है, तो उसी वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और यहाँ पे टैग लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट, और यहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह, कार्ड वगैरह, एंड स्क्रीन वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे और भी फंक्शन है, यहाँ पे आप वीडियोस के एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप एनालिस्टिक, इस वीडियो का सेपरेटली, इस वीडियो का एनालिस्टिक चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो एनालिस्टिक का बटन है सेकंड नंबर पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस का आपको एनालिस्टिक दिखाई देगा कि आपका कितना इनकम और रियल टाइम एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे लाइक डिसलाइक वगैरह सारे आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं बैक, और बैक आने के बाद आप, अगर आपके सारे वीडियोस का एनालिस्टिक चेक करना है, तो आप क्लिक करना है ये थर्ड वाले बटन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेगा तो आपको सारे वीडियोस के एनालिस्टिक एक साथ दिखेगा, और आपके सारे चैनल के 48 घंटे की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि देख सकते हैं 48 आवर्स, तो यहाँ पे आपको सारे एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे, और ये रियल टाइम एक्टिविटी आपको दिख रहा होगा कि कितने अभी अपडेट हो रहा है, कि अभी 9 व्यूज़ यहाँ पे आए हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे रीच, यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपको सारे ऑडियंस दिख जाएंगे कि कितने ऑडियंस आप डेली पहुँच रहे हैं, आपके व्यूवर्स कितने डेली आ रहे हैं। और जिस भी वीडियोस को देखना है, यहाँ पे सी मोर के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे वीडियोस आपको नीचे की तरफ। तो ये रहा सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ का जो बात कर लें तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कम्युनिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी आपको कमेंट वगैरह आते हैं। और जो थर्ड वाला है ये ट्रांसक्रिप्शन है, और ये जो है ये आपको सर्च
फीचर हैं, कुछ अदर फीचर। तो चलिए ये थी क्रिएटर स्टूडियो बीटा। तो अगर आप इसको और गहराई से यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको जाना है और यहाँ पे जैसे ही आप या ये सब आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएंगे, आपको सब्सक्राइबर दिख जाएंगे यहाँ पे चैनल का, आपको कितने सब्सक्राइबर लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज आपको मिले हैं और कितना वॉच टाइम हुआ, ये सारे डिटेल आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो भी यूट्यूब की तरफ से न्यू अपडेट न्यूज़ आती है ये सारे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सेटिंग का आपको एक ऑप्शन मिलता है और इस तरीके से आप स्टूडियो बीटा का आप बड़ी आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें पोस्ट वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे गो लाइव जा सकते हैं और यहाँ पे पोस्ट का भी ऑप्शन आता है। अगर आपका चैनल 10,000 के अबव सब्सक्राइबर हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट पोस्ट का। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।